हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ इनिंग। दिन की शुरुआत करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जैसा कि स्मैकडाउन और रॉ दोनों ही एपिसोड में ड्राफ्ट फिनिश हो चुका है और दोनों ही ब्रांड की पिक्चर पूरी तरह से बदल चुकी है। वहीं काफी बड़े बड़े सुपरस्टार एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड में मूव हुए हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्राफ्ट के बाद दोनों में से कौन सी ब्रांड स्टार के लिहाज से सबसे पावरफुल लग रही है। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। जैसा कि रॉ और स्मैकडाउन दोनों अब अलग अलग नेटवर्क पर आ रहे हैं, वहीं स्मैकडाउन का फॉक्स टीवी पे जाना कहीं ना कहीं अच्छा साबित होता दिख रहा है, वो आपको आगे समझ आ ही जाएगा। अब वैसे तो स्मैकडाउन बी शो कहलाया जाता था और रॉ ए शो कहलाया जाता था, बट अब इसका उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। आप सबको बता दूं, फॉक्स टीवी पे स्मैकडाउन के दो शोज की रेटिंग रॉ से काफी बेहतर रही है, वहीं रॉ का इस वीक के एपिसोड की रेटिंग काफी कम रही है। अब स्मैकडाउन का फॉक्स टीवी पे जाने के बाद रॉ से कंपेयर करें तो स्मैकडाउन के एपिसोड ज्यादा बेहतर साबित हुए हैं। वहीं ड्राफ्ट के बाद कहीं ना कहीं स्मैकडाउन का रोस्टर काफी पावरफुल लग रहा है और ये बात आप सभी मानेंगे, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस ड्राफ्ट में फॉक्स टीवी बाजी मार गया है। स्मैकडाउन में एक से बढ़कर एक स्टार मौजूद है। सबसे बड़ी बात, ब्रॉक लेसनर स्मैकडाउन का हिस्सा बन चुके हैं। रोमन रेंस, ब्रॉन स्ट्रोमैन, फिंड जैसे बड़े स्टार वहां मौजूद हैं। वहीं रॉ की बात करें तो सेथ रॉलिंस, केविन ओवंस, बॉबी लैशले प्लस पॉइंट रैंडी ऑर्टन भी रॉ की तरफ अब जा चुके हैं। वहीं अब फीमेल रेसलर की बात करें तो शार्लेट फ्लेयर और बैकी लिंच एक ही ब्रांड में आ चुके हैं। वहीं पहले शाशा बैंक्स, लेसी वन जैसे स्टार स्मैकडाउन का हिस्सा बन चुकी हैं। लेसी काफी टैलेंटेड सुपरस्टार हैं और उनका स्मैकडाउन में जाना काफी बेहतर साबित होगा। और तो और, रोंडा रोजी की जब भी WWE में वापसी होगी वो सीधे स्मैकडाउन का हिस्सा बनेंगी। वहीं शार्लेट फ्लेयर को रॉ में ड्राफ्ट केवल इसलिए करा है क्योंकि स्मैकडाउन में उनके लिए कुछ बचा नहीं था और आप सब इस बात का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके ड्राफ्ट होते ही WWE ने उन्हें बैकी लिंच के सामने टाइटल पिक्चर में डाल दिया क्योंकि विंस मैकमैन को शार्लेट फ्लेयर के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है। वहीं WWE अभी भी रॉक को सेथ रॉलिंस के दम पर रन करना चाह रही है। कुल मिलाकर दोनों ब्रांड के सुपरस्टार को देखें तो स्मैकडाउन ज्यादा बेस्ट नजर आ रही है। वहीं बात करेंगे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में जो WWE ने ड्राफ्ट के बाद काफी हद तक सॉल्व कर ली हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि स्मैकडाउन का रोस्टर रॉ से काफी बेटर लग रहा है, इसी वजह से जो भी स्मैकडाउन को बी शो कहते थे अब उन्हें ऐसा कहने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि रॉ अब बी शो बन के रह जाए क्योंकि WWE यहां सेथ रॉलिंस को ओवर पुश कर रही है और सेथ रॉलिंस के अलावा अभी तो विंस मैकमैन को रॉ ब्रांड पर कुछ नहीं दिख रहा है और इसी का फायदा शायद स्मैकडाउन को होने वाला है आने वाले टाइम में। वहीं बात करूं वुमेन्स डिवीजन की तो शार्लेट फ्लेयर और बैकी लिंच का एक शो में जाना रॉ ब्रांड की वुमेन्स के लिए तो अच्छा नहीं है। वो आप इसी बात से समझ गए होंगे कि WWE ने शार्लेट फ्लेयर को रॉ में ड्राफ्ट होते ही बैकी लिंच के सामने टाइटल पिक्चर में डाल दिया, बट स्मैकडाउन की वुमेन्स के लिए ये काफी अच्छा साबित होगा। अब स्मैकडाउन में बेले, शाशा बैंक्स, लेसी, अलेक्सा ब्लिस जैसी सुपरस्टार मौजूद हैं और इन्हें टाइटल शॉट आने वाले टाइम में जरूर मिलेगा जो कि इनके लिए काफी अच्छा साबित होगा क्योंकि WWE बेले को बैकी लिंच और शार्लेट फ्लेयर के लेवल तक तो पुश नहीं देने वाली है। वहीं ड्राफ्ट खत्म हो चुका है और स्मैकडाउन फॉक्स टीवी पर मूव हो चुकी है तो वाइल्ड कार्ड रूल्स का भी एंड हो चुका है। विंस मैकमैन ने रेटिंग में उछाल मारने के लिए वाइल्ड कार्ड रूल्स इंट्रोड्यूस करा था जो कि जैसे जैसे आगे बढ़ा बस एक जोक बन के रह गया। फैंस को भी एक टाइम काफी कंफ्यूजन होने लगा था कि कौन सा स्टार किस ब्रांड का हिस्सा है। वहीं कुछ सेलेक्टेड स्टार को ही वाइल्ड कार्ड रूल का सबसे ज्यादा फायदा हो रहा था। अब जब दोनों ब्रांड अलग अलग नेटवर्क पर आ रही हैं तो ये रूल्स ऑलमोस्ट एंड हो चुका है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सॉल्व हुई है उसका जिक्र मैंने ऊपर भी करा, स्मैकडाउन में स्टार्स का अब जमावड़ा लग चुका है जिसकी जरूरत वाकई स्मैकडाउन को काफी पहले से थी जिसपे बहुत कम ही ध्यान दिया जाता था। अब जब स्मैकडाउन फॉक्स पर है तो यहाँ कुछ बड़े लेवल का देखने को मिला करेगा। ब्रॉक लेसनर, रोमन रेंस, कॉफी किंगस्टन, मॉन्स्टर अमंग मैन, ब्रॉन स्ट्रोमैन जैसे बड़े नाम अब शायद इस शो को एक कैटेगरी में लाके खड़ा कर देंगे। तो फ्रेंड ये थी आप सभी के लिए ड्राफ्ट के बाद दोनों ब्रांड में कैसी पिक्चर बनने वाली है और कौन ब्रांड किस ब्रांड से ज्यादा बेटर लग रहा है ड्राफ्ट के बाद इस टॉपिक पे वीडियो। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा कि रॉ बेटर है या स्मैकडाउन स्टार्स के मामले में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।